राधे राधे दोस्तों, आज हम बिना प्याज लहसुन दूध से बनाएंगे जूसी क्रीमी यम्मी व्हाइट पास्ता सॉस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने ये 2 बाउल पास्ता ले लिया है। फ्रेंड्स, हमने ये लंबे लंबे शेप वाले लिए हैं। अब पास्ता से लगभग 3 गुना यानी कि 6 बाउल के लगभग पानी ले लेंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर। फ्रेंड्स, अब इसे बॉयल आने के लिए 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और ये देखिए, 2 मिनट बाद हमारे पानी में बॉयल आ गई है। तो बस इसमें हम अपने पास्ता डाल देते हैं। फ्रेंड्स, जब बहुत अच्छे से पानी में बॉयल आ जाए तभी हमको पास्ता डालना है। यदि हम पानी में बॉयल आने से पहले पास्ता डाल देंगे ना, तो हमारे पास्ता एकदम चिपचिपे हो जाएंगे। तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बॉयल आने के बाद ही हम पास्ता डालें। और बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक, यहाँ पर हमें पास्ता सिर्फ 80% ही पकाना है। अगर हम 80% से ज़्यादा पास्ता पकाएंगे तो ये आगे जाकर टूट जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ 80% पकाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कैसे पता चले कि ये 80% पका है। तो हम इसे देखिए नाइफ से कट करके दिखाते हैं। इसमें देखिए ये वाइट लाइन दिखे हल्की सी, इसका मतलब है ये अभी पूरे नहीं पके हैं। तो बस इस स्टेज में हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और हम अपने पास्ता को एक छन्नी में निकाल कर पानी से धो लेंगे, जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये चिपचिपे भी नहीं रहेंगे। चलिए अब हम फ्लेम पर रखते हैं फ्राई पैन और देखिए इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल। बस ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में कटे हुए कैप्सिकम। इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा हम चला लेंगे, फिर इसके बाद डालेंगे हम इसमें ये कैरेट और दोनों को मिक्स करके बढ़िया फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़े से बस हमें पनीर के पीसेस डाल देने हैं, थोड़ा 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालकर इसे थोड़ा सा पकाएंगे और फिर इसे साइड कर लेंगे। और देखिए पैन में लेंगे 2 टीस्पून बटर और 2 टीस्पून मैदा। फ्रेंड्स, हमें जितना बटर लेना है उतना ही हमें मैदा लेना है। बस देखिए फ्रेंड्स, हमारे मैदा का कलर लाइट ब्राउन हो गया है तो बस इसमें अब हम डाल देंगे ये दूध। दूध फ्रेंड्स हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक हाथ से हम चलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से दूध डालते जाएंगे, जिससे इसमें कोई गिल्थी नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। और अगर आपको तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं और ये पूरा पेस्ट बना लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए तो आपका परफेक्ट व्हाइट पास्ता सॉस तैयार हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमें इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली रखनी है। देखिए हम फिंगर से टच करके दिखा रहे हैं तो बिल्कुल हल्की सी कोटिंग है इसकी। आप डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सीजनिंग डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स, नमक बड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि नमक का यूज हमने पहले भी किया है। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे, सारे मसाले मिक्स हो जाएं ताकि, और फिर इसमें डाल देंगे सब्जियां। देखिए फ्रेंड्स, ये वही सब्जियाँ हैं जो हमने पहले फ्राई करके रखी थी ना, तो बस इन्हें डाल लेते हैं। इनको भी करेंगे मिक्स और आप डाल देंगे ये वाइल्ड पास्ता। आप देखिए फ्रेंड्स, हम इसे केयरफुली चलाएंगे ताकि हमारे पास्ता टूट ना पाए और बढ़िया खिले खिले बने। इस तरह से पास्ता बनाकर जरूर देखें फ्रेंड्स, ये बहुत क्रीमी जूसी बनकर तैयार होते हैं और खाने में इतने यम्मी लगते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और पास्ता का टेस्ट आपको कैसा लगा, ये भी हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा व्हाइट पास्ता सॉस तैयार है। इसे किसी को सर्व करने से पहले हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा पनीर, सीजनिंग, कैप्सिकम, कैरेट ये सब डाल देंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।